बिग बॉस सीजन 14 का फिनाले कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा, लेकिन रुबीना दिलेक जीत के सबसे करीब है ये हर कोई जानता है, और अब ऐसे में रुबीना को हराने के लिए बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई जा रही है। ये किया जा रहा है सिर्फ इसलिए जिससे रुबीना के फैंस हताश हो जाएं और रुबीना को वोट करना छोड़ दें। चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि आखिर क्या अफवाह और किसने उड़ाई है रुबीना के लिए ये अफवाह। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए टेली टॉकीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर रुबीना दिलेक ने बहुत ही शानदार खेल खेला। यही वजह है कि रुबीना को न सिर्फ भारत में लोग सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी रुबीना को जमकर सपोर्ट मिल रहा है, और हर कोई जानता है कि रुबीना जीत जाएंगी। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रुबीना को पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए अब ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि अगर आप रुबीना को वोट करेंगे तो आपके वोट को कलर्स वालों के साथ मिलकर किसी और कंटेस्टेंट के खाते में डाल दिया जाएगा और इसी वजह से रुबीना हार जाएगी। तो वहीं एक और ट्विस्ट डालने की कोशिश की है, और वो ट्विस्ट ये है कि घर के अंदर लाइव वोटिंग होगी और लाइव वोटिंग के वोट्स भी काउंट किए जाएंगे। वेल दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि वोट्स को कोई भी ताकत नहीं बदल सकती है। आप जिसको वोट कर रहे हैं आपका वोट उसी कंटेस्टेंट के खाते में जाएगा। और हाँ, लाइव वोटिंग के दौरान भी रुबीना और राहुल दोनों के फैंस जमकर वोट करेंगे, लेकिन बस इतना याद रखें कि आपको रुबीना को सबसे ज्यादा वोट देने हैं। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस वोट करते जाना है। क्या किया है आपने रुबीना को वोट? और हताश बिल्कुल नहीं होना है। कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।